आजकल फोटो खींचना हर किसी को पसंद है। फोटोग्राफी का शौक रखने वाले लोग महंगे से महंगा कैमरा खरीदते हैं, बात चाहे सालों पहले की हो या आज की। कैमरे के प्रति लोगों का क्रेज हमेशा ही बड़ा है। पहले जहां ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें खींचने वाले कैमरे आते थे, वहीं अब बाजार में रंग बिरंगी तस्वीरें खींचने वाले डिजिटल कैमरे आते हैं। कैमरे की मदद से हमारे जीवन के खास पल फोटो के रूप में कैद हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि जहां अब हम कुछ ही सेकंड में फोटो खींचते हैं, वही एक जमाना था जब एक तस्वीर खींचने के लिए 8 घंटे का समय लगा था। एक तस्वीर लाख शब्दों की बराबर होती है, लेकिन इसे यह दर्जा इतनी आसानी से नहीं मिला है। दुनिया की पहली तस्वीर 1826 में ली गई थी, यानी तस्वीर 193 साल पुरानी हो चुकी है। तस्वीर एक खिड़की से ली गई थी, जिसे फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने लिया था। तस्वीर को हकीकत में बनाने का श्रेय वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर और लुइस डॉगर को ही जाता है। इन्होंने डॉगरोटाइप प्रक्रिया का आविष्कार किया था। यह फोटोग्राफी की सबसे पहली प्रक्रिया है। इस आविष्कार की घोषणा 19 अगस्त को फ्रांसीसी सरकार ने की थी। इसी याद में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी मनाते हैं। 1820 के करीब जोसेफ नाइसफोर और लुइस डॉगर ने मिलकर फोटोग्राफिक प्रक्रिया डॉगरोटाइप का आविष्कार किया। इसकी मदद से पहली तस्वीर 1826 में कैप्चर की गई। इसे फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ नाइसफोर ने अपने घर की खिड़की से लिया था। ऑब्स्क्यूरा कैमरा से तस्वीरों को कैप्चर करने में 8 घंटे लगी थी। इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया था हीलियोग्राफी। स्कॉटलैंड के भौतिक शास्त्री क्लर्क मैक्सवेल ने लंबे समय रंगीन तस्वीरों को तैयार करने की प्रक्रिया का काम किया। उन्होंने 1861 में दुनिया की पहली रंगीन तस्वीर ली। यह तस्वीर एक फीते की थी, जिसमें लाल, नीला और पीला रंग था। हीलियोग्राफी से तैयार किए जाने वाली तस्वीर में सिल्वर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्लेट पर बिटुमेन ऑफ जूरिया लगाया जाता था। यह एक तरह का रसायन था। इसे लगाने के बाद तस्वीर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। दोनों वैज्ञानिकों ने तस्वीर लेने की प्रक्रिया को और विकसित किया। 1832 में वैज्ञानिकों ने लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल किया और तस्वीर को एक दिन में तैयार करना संभव हो सका। डॉगरोटाइप दुनिया की पहली फोटोग्राफिक प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल 1839 में आम लोगों ने तस्वीरों के लिए किया गया था। इसमें काफी बड़े कैमरे का इस्तेमाल किया गया। इसकी मदद से कुछ मिनटों में ही साफ तस्वीर खींची जा सकती थी, लेकिन सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। यह साल फोटोग्राफी के लिहाज से सबसे अहम माना गया है।